ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं पराठा। जिस समय मौजूद है मुमरा के इंशा नगर में, आपको मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पर जो है, जो यहाँ के नगर सेवक हैं उनके द्वारा जो ये नाले का काम किया जा रहा था, और बताया जा रहा है कि ये नाले का काम करीब 2 महीना पहले इस नाले का काम का जो है शुरुआत किया गया था, लेकिन उसके बावजूद इस नाले का काम अभी तक पूरा नहीं किया गया है। आपको जगह जगह देख सकते हैं इसी तरह से जो है यहाँ पर जो है लकड़ी रखी गई है ताकि इसमें से लोग उस पार जा सके और इस पार आ सके। यानी ये जो आप देख रहे हैं ये चार दोनों तरफ जो है यहाँ पर इमारतें हैं, और इस इमारत के लोग जो उतरते हैं उनका आना जाना इसी रास्ते से होता है, लेकिन ठीक बीच में यहाँ पर जो है नाले का काम यानी गटर बनाने का काम किया जा रहा था, लेकिन 2 महीने से ये काम ऐसे ही रुका हुआ है। यहाँ के जो इमारत के रहने वाले लोग हैं उनको आने जाने में काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। कुछ ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं कि इसमें बच्चे कई बार गिर चुके हैं, कुछ बुज़ुर्ग महिलाएं भी गिर चुकी हैं, और कुछ यहाँ की जो महिलाएं हैं उनकी भी गिरने की खबरें सामने आई हैं। यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, यहाँ पर ये जो काम हुआ है ये करीब 2 महीना पहले ये काम किया गया था, उसके बाद से ये काम बंद किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो महिला है ये भी एक दिन पहले इस नाले में गिर चुकी है और इनके पैर में काफ़ी तकलीफ है। हम इन्हीं से जानते हैं, क्या नाम है आपका? परवीन शैफुल शेख। कैसे चोट लगा था ये आपको? यहाँ खड़े रह गया, पाइप खींचने गई थी, डायरेक्ट अंदर गई, पूरा पैर में खिल्ला घुस गया है, घुटने में भी पूरा मार लगा, सीने में भी मार लगे है। कोई आके यहाँ देखते है क्या? खाली खोद के हमने रोड बनाए तो फिर खोदे लोग ने। अभी हम लोग जो हमें जानकारी मिली है कि करीब 2 महीने से ये ऐसे गटर का काम ऐसे बना बंद पड़ा हुआ है, तो कौन यहाँ का नगर सेवक है, यहाँ का नगर सेवक कौन है जो ऐसे काम छोड़ के चला गया है? जफर नुमानी है। आपने उनसे बोले नहीं? बोले मैंने उनको उस दिन, बोली उनको, डायरेक्ट बुढ़िया औरत गिर के पूरा मुंह हाथ में लग गया बेचारी का। अभी अभी कल हम लोग गिरे, 2 दिन पहले वो बेचारा आदमी गिरा। कोई आगे हमको देख रहा, हमको जितनी परेशानी, कितनी मुश्किल से हम लोग अपनी परेशानी दूर की है। 10 साल से हम लोग परेशान झेले, घर के सामने गटर हम लोग बन के रास्ता बनाए फिर खोद दिए। अभी हमारा पैर, हमारा इलाज कौन करेगा? वो करने वाले क्या हमारा इलाज? यहाँ जितने औरत लोग, कभी कुछ मैया तो हो जाएगी तो वो भी नहीं आएंगे वो देखने के लिए। अभी कल मैंने काम करने नहीं दी, कल आए थे काम वाले, जब तक ये लकड़ी वकड़ी तू खोदेगा नहीं पूरा और पूरा बनाएगा नहीं जब तक करेगा नहीं, ये हम लोग खुद अपने हाथ से रखे, हम लोग अपने हाथ से रखे अपने सहूलियत के लिए, क्योंकि हमको बहुत तकलीफ हो रही है। यानी कि जो यहाँ पर ये लकड़ी रखी गई है चलने के लिए, ये आप लोगों ने खुद रखा? हाँ हमने रखे। कल ये खिल्ले का सब खोल के देखो, उधर देखो सब हम लोग वहाँ फेंकने लगाए और हमने रखे ये। अच्छा, ये जो साइड में दीवारों पे जो मिट्टी रखी हुई है, लकड़े रखे हुए, तो ये सब किसने रखा? सब इन्हीं लोग रखे, जो बनाने आए वो यही रखे। यानी ये जो गंदगी हो रही है करीब 2 महीने से ऐसे ही यहाँ पर? उससे पहले बहुत गंदगी थी, पर ये काम हम लोग जब बनाए ना, रोड हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया था, हमारी ये जगह अच्छा रोड हो गया था। फिर इन लोगों ने अभी बोला नाला पास हो रहा है, वो नाला पास होने के चक्कर में 2 महीने से ऐसा है। पूरे बिल्डिंग वाले मिलके हम लोग बनाए रोड। रोड बनाने के बाद इसको जो है दोबारा इसको खोदा? हाँ, वापस दोबारा खोदा गया है। जो उसके परसों के दिन मैं गिर के मेरा पूरा पैर के तोड़ के सत्यानाश। आप यहाँ के नगर सेवक से मिले तो क्या उन्होंने क्या बताया? जब मैंने गिरी नहीं थी 15 दिनों का करीब, आप आके पूछ भी सकते उनसे, मैं उनके सामने बोलने के लिए तैयार हूँ। 15 दिन 20 दिन पहले एक बुढ़ी औरत गिरी, जब ही मैंने उनको आगाह कर दी, देखो भाई बुढ़ी औरत ने गिरा है, तुम जाके उसका खड़े का कुछ बंदोबस्त करो। उन्होंने साहब बोला ठीक है, एक लकड़ी रखे, वो लकड़ी भी हमारे इधर का ही है, हम ही लोग ने रखे लकड़ी, कोई आके नहीं रखा है। तो जैसा आपने सुना कि जो ये महिला बता रही है कि ये जो यहाँ के नगर सेवक है, ये उनकी सबसे बड़ी लापरवाही है कि करीब 2 महीना पहले जो है इस गटर नाले का काम शुरू किया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो है इसका काम अभी तक पूरा नहीं किया गया है। और भी महिलाएँ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उससे जानने की कोशिश करते हैं। इस तरफ कोई भी नहीं काम हो रहा, कोई भी, इधर देखो गटर नाली कहीं, हम लोग को कोई भी सहूलियत नहीं है, इस तरफ कोई भी सहूलियत नहीं है, इतनी गंदगी आगे पीछे कोई भी सहूलियत नहीं है, इधर हम लोग बहुत तकलीफ में रहते हैं। इधर शिकायत की कभी नगर सेवकों को यहाँ? हम लोग जाते हैं, जब जाते हैं, जब शिकायत करते हैं तो बोलते हैं हाँ बना के दूंगा, क्या मालूम है अब बारिश आ गया, 4 महीना से गर्मी से बना रहे हैं, अभी तक बना ही रहे हैं। हम लोग मिल कर पैसा लगा के सब 100-100 रुपये पूरे बिल्डिंग वाले रोड बनाए थे, समझे? यानी एक तरह से आप सुन सकते हैं, जो यहाँ इमारत में रहने वाले लोग हैं उन लोगों ने जो है यहाँ पर एक बार
इसको जो है बनाकर दुरुस्त किया था, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ के नगर सेवक ने बताया कि यहाँ पर जो है गटर नाला जो है पास किया गया है। ये गटर जो है बनाने के दरमियान इसे फिर खुदाई कर दी गई। आपको दिखाना चाहेंगे कि बीमारी भी फैल सकती है यहाँ के लोगों को। आप देख सकते हैं कितने की यहाँ पर जो रखी गई पूरी मिट्टी, यहाँ पर गंदी मिट्टी यहाँ पर रखा गया है, इसे तमाम जो है बीमारी फैलने का यहाँ पर खतरा भी है। और जो यहाँ से आने जाने वाले लोग हैं वो इस नाले में गिर सकते हैं। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, लोगों ने अभी तक बताया कि इसमें बच्चे और करीब 2 से 3 लोग जो है इस नाले में अब तक गिर चुके हैं, जिन्हें काफ़ी गंभीर चोटें भी आई हैं। मेरा नाम तौसीफ सलीम सैयद है और मैं इस बस्ती में ये एरिया में रहता हूँ और ये एरिया में बहुत प्रॉब्लम में आई है। अब प्लस ये गटर का काम 2 साल से रुका हुआ था और अभी वो काम चालू हुआ है। काम चालू हुआ है तो काम ये आधा आधा कर रहे हुए और कई औरत लोग उस पर से लकड़ी पे से रख के गिर गए। किसी के टांग टूटे, देखो भाई मेरे भी पैर में खिल्ला घुसा, इधर पे गिरा हूँ। ऐसा कौन ये नहीं कर रहा है कि हमारे को आगे सपोर्ट किया, भाई तुम्हारा काम फटाफट होगा, ये नहीं किया। ऐसा नहीं किया कोई औरत लोग, सब औरत लोग है ना, बोल रहे जा जाके क्या भाई हमको ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये नहीं हो रही है। अगर आपके थ्रू से कुछ अच्छा होता रहेगा तो ये हम लोग के एरिया वाले के लिए आप कुछ कर सकते हैं। जैसा कि आपने सुना कि जो यहाँ के लोग हैं उनका साफ कहना है कि यानी नगर सेवक की सबसे बड़ी लापरवाही है इस गटर को बनाने में। यानी 2 महीने पहले जो इसका काम शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक इसका काम पूरा नहीं किया गया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये यहाँ तक का जो है इसका काम थोड़ा बहुत किया गया था, लेकिन इसके बाद जो है इस काम को रोक दिया गया है। ये काम जो है यहाँ से पूरा वहाँ तक नाला खुला हुआ है, जिसमें बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग गिर रहे हैं, जिसमें लकड़ा गिरने की बात सामने आ रही है, जिसमें खीले भी धंसे हुए हैं पैरों में, उनके पैरों में काफ़ी सूजन है। यानी कि सब कुछ शिकायतें मिलने के बाद जो है नगर सेवकों की आंख नहीं खुल रही है, वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आखिर किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वो? क्या किसी बड़े हादसे का इंतज़ार किया जा रहा है? कोई अनहोनी हो जाए उसके बाद ही नगर सेवकों की आँख खुलेगी? हम आपको दिखाना चाहेंगे जो यहाँ से खुदाई की गई है वो मिट्टी दोनों तरफ रख दिया गया है। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि बीच में जो है रास्ते को खोदा गया है गटर बनाने के लिए और उसके दोनों तरफ जो है मिट्टी रखी गई है। अब सवाल उठता है कि जो आने जाने वाले लोग हैं वो आएंगे जाएंगे कहाँ से? लेकिन मजबूरी के तौर पर जो इमारत में रहने वाले लोग हैं उन लोगों को इसी मिट्टी के ऊपर से आना जाना होता है। बाई चांस कभी भी उनका पैर इस पे से अगर फिसलता है तो वो इसी गटर बनाने के लिए जो खुदाई की गई है उसी में गिर जाते हैं, जिसके वजह से उनको काफ़ी चोटें भी आई हैं। जैसा कि आपने सुना कि जो महिलाएं यहाँ पर हैं उन लोगों ने बताया है कि जो यहाँ के नगर सेवक हैं उनसे भी शिकायत की है, लेकिन वो इस गटर को बनाने का काम पूरा करें। एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा यहाँ पर जो है गंदगी का भरमार लगा हुआ है। आप देख सकते हैं इस हाथ पर एक केबल भी खुला हुआ है। ऐसी बात भी यहाँ पर सामने आ रही है कि कुछ दिन पहले जो है एक बच्चा इस खुले हुए केबल के चपेट में आ गया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने किसी भी तरह से उस बच्चे को बचा लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप एक बॉक्स भी है, इलेक्ट्रिक का बॉक्स भी है, जो जिसकी हालत बेहद ही ख़राब है और उसमें से वायर भी खुले हुए निकले पड़े हुए हैं, जिसमें कभी भी हादसा हो सकता है। लेकिन जो साफ़ सफाई यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर गंदगी है, यानी कि आप साफ लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि जो यहाँ का नगर सेवक है ये उसकी सबसे बड़ी लापरवाही है कि एक तरफ गटर बनाने के लिए जो है खुदाई की गई है, 2 महीना पहले जो है इस खुदाई की गई और इसका भी काम नहीं पूरा किया गया, और ना ही जो यहाँ पर खुले केबल है, जो बिजली का खुला हुआ बॉक्स है, ना ही उसकी मरम्मत और ना ही जो है यहाँ पर साफ़ सफाई का जो है जिम्मेदारी से वो कहने की एक तरह से कह सकते हैं कि स्थानीय नगर सेवक की सबसे बड़ी ये लापरवाही है। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।